जय साईं जी दी रब एक जय साईं जी 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हो तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं जरूर दबाओ तां कि तुहानूं आने वाली वीडियो दी जो अपडेट है वह मिलती रहे। बाबा जी साईं लोग फरमाउंदे कि अज बंदा लोकां नूं खुश करन ते लग्या होया ते कदे ओ कर्म भी कर लिया करे जे कि जिदा साडा रब खुश होवे, रब राजी होवे। जरा गौर करना बाबा जी, अजकल तां कहिंदे बंदा कपड़े जिहड़ा है दूजे नूं दिखाउण लई पा रहा है, बूट पाउंदा है कहिंदा लै वी आह देख मैं आह बहुत वधिया चीज़ पाई है। इत्थों तक कि कहिंदा अजकल तां खाणा वी जदों कोई इंसान खांदा है ना आ पहलां उहदी फोटो खिंचदा है इंस्टाग्राम ते पाउंदा लै वी अज मैं इत्थे आया या मैं कित होर जा मैं लै भी अज मैं इतने आया। कहते अज इंसान खाना भी दिखा के खाता है, वह कहते सारी जिंदगी दुनिया ही दिखाने लग्या रहा है। वह कहते जो बंदा गौर करे तो रब ने जिंदगी दिती है तो बंदा दुनिया दिखाने वास्ते कि कुछ करता है। तो इतने साईं लोग फरमाते कि सारी जिंदगी लोगों ही खुश करन ते लगे रहने, कदे ऐसा कर्म भी करना चाहिए जिन्ना साडा रब भी राजी हो जाए। बाबा जी तो कहते जो आप कोई ऐसा कर्म करांगे अपनी जिंदगी कोई ऐसा फुल खिलावांगे उन्हूं खिलण देवांगे ऐसे नेक कर्म करांगे जिद ना वह भी राजी हो जाए वह सानू देखे तो कहते फिर जिंदगी उच्ची पदवी भी जिहड़ी है ना उच्चा ओहदा भी जिहड़ा है फिर उसे ही हासिल होएगा। बाबा जी हुण जे बंदा कहे कि बादशाही या जिदा सफलता कामयाबी है कोई फकीर लोग फरमाउंदे ये किसी बादशाह की खिदमत करना नहीं हासिल होनी, ये तो उसकी रहमत नाल हासिल होनी है। बाबा जी रगौर करो, ये तो वो नज़रों करम के नाल हासिल होनी है, नेकिया करम के नाल हासिल होनी है। बाबा जी जिदा एक ना बादशाह होया महमूद गजनवी, हुण जिहड़ा महमूद गजनवी सी ना उहदे पिता का नाम सी सुबकुतगीन। जरा गौर करना हुण कहिंदे जिहड़ा सुबकुतगीन सी ना, जरा गौर करना बाबा जी कि वह सीगा नौकर, एक बादशाह का नौकर सी। हुण वह बादशाह का नाम जिहदा नौकर सी ना वह शायद अल्पतगीन नाम सी उहदा, अल्पतगीन। तो हुण उहने की किहा कि उहनू सुबतगीन नू कि मेरा ना यार अज हिरन का मास खाण नू जी करदा है ते जा जंगल च जा मेरे लिए हिरन का मास लैके आ। हुण इह जिहड़ा सुबकुतगीन है दुबारा गल करिए कि इह महमूद गजनवी का पिता सी ते महमूद गजनवी जिहड़ा उह बहुत वड्डा बादशाह सी, बहुत वड्डा बादशाह होया राजा होया है। तो यह जिहड़ा सुबकुतगीन है ये किसी का नौकर सी, वह बादशाह सी। बाबा जी हुण इहनू हिरन का मास लैके आउण लई कहा कि साडा अज हिरन का मास खाण नू जी करदा है, जरा गौर करो। हुण नौकर है तो नौकर हुण चला गया क्योंकि राजे का हुक्म है भाई, हुण जांदा है जंगल नू हिरन नू लभदा है, बड़ी देर लभदा रहा हिरण देखता रहा भी कोई मिले, हुण हिरन तो मिलया नहीं। बाबा जी हुण उत्थे की मिलया, एक हिरण का छोटा बच्चा मिल गया। हुण हुक्म सी तो उन्हें बच्चे नू जाल पाया और फड़ लिया उन्हूं। इत्थे जरा गौर करना कि बादशाहियां किदां मिलदियां है, इसनू समझना, गौर करना बाबा जी। हुण जदों सुबतगीन ने उन्हूं पकड़ लिया, उन्होंने फड़ लिया उन्हूं हिरनी नू, हिरन दे बच्चे नू जाल च पा के जदों घोड़े ते रख के लै के जा रहे हैं तो राह दे विच ना प्यास लगी। हुण प्यास लगी तो कुएं ते रुके, पानी जदों पीण लगे तो की देखदे आ नज़र पई भी पिछे एक हिरनी आ रही है। जरा गौर करना हिरनी आ रही है और वह जिहड़ा छोटा बच्चा है वह हुण जाल दे विच ही है, उहदे वल देख रही है। हुण सुबकुतगीन दा जदों उहदा ध्यान पिया ना हिरनी वाले, जरा गौर करना, तां उह कहिंदा वी यार पहलां तां मैं बच्चा ही फड़िया सी हुण मैं इहनूं फड़ सकदा है। उहनूं समझ गया कि इह दी मां है जिहड़ी अपने बच्चे की ममता च मगर मगर आ गई है। हुण सुबकुतगीन दे मन च आ गया वी हुण मैं इहनूं भी फड़ सकदा है। हुण जिद्दां ही उह जाल दे कोल जांदा है, उह जदों हिरनी आई ना अगे तां उह लगा फड़न, तां उहदी नज़र जिहड़ी ना अचानक ध्यान जिहड़ा है ना उस हिरनी दे अखां दे विच पिया। बाबा जी उहदी नज़रां दे विच गया, उह नज़रां च की देखदा है, अथरू हंझू देखदा है। उह जदों उहने उह हंझू देखे ना ममता नाल भरियां उह नज़रां देखियां तां सुबकुतगीन दे हुण मन दे विच इह नहीं आया कि उह जानवर है, उहदे मन दे विच अचानक दया पैदा हो गई। बाबा जी कि वाह ओए सुबकुतगीना, कहिंदा कि एक बादशाह दे हुक्म नू पूरा करन लई एक बच्चे नू उहदी मां तों जुदा करन लगा, नहीं उहदे अंदर दया पैदा हो गई। बाबा जी दया पैदा हो गई,
कि इनू नहीं कि बादशाह की झिड़क मैं खा लूंगा पर हुण आ करम नहीं मैं करना ना। एक मां तो उहदा बच्चा नहीं मैं जुदा कर सकता, बादशाह ना कोई नहीं, मैं उहदियां गालां भी खा लूं झिड़कां भी खा लूं। हुण जदों इह गल आई ना मन दे विच, उहने बाबा जी हिरनी दा बच्चा भी छड्डिया, जदों जाल चों छड्डिया तां उहनूं हिरनी वल नूं कीता। हुण हिरनी बच्चे नूं प्यार कर रही है, उहनूं चट रही है, जिवें मां बच्चा जानवर दे विच हुंदे जदों मिलदे आ चटदे आ ना, तां हुण मां जिहड़ी बच्चे नूं चट रही है उहनूं प्यार कर रही है। और कदे वो अपने बच्चे वाल देखती है और कदे वो सुबकुत गीन वाल देखती है, जरा गौर करना। और सुबकुत गीन वाल देख के ना उस हिरनी ने उस आसमान वाल अपनी नज़र की, उपर नू मूँह किया। हुण उस हिरनी ने जो उपर नू मूँह किया तो यह देख के ना उन्हें सुबकुत गीन नू बड़ा सुकून मिलया कि वह हिरनी कदे सुबकुत गीन वाल देखती, कदे अपने बच्चे नू प्यार करती, कदे उपर देखती, रोना दोनों के चेहरे दोनों दी अखां दे विचों, हिरनी भी और उहदे बच्चे दी अखां दे विचों भी रोना निकल रहा है। और यह देख के सुबकुत गीन दी नज़रां चों भी अखां चों हंझू गिरन लग पे, उहनू बड़ा सुकून मिलिया। देख के कहन लगा भी कोई गल नहीं, हुण इह जिहड़ा सुकून मैनू मिलिया है ना, इहदी बदले जे मैनू बादशाह दीआं झिड़कां भी खाणियां पईआं, गालां भी खाणियां पईआं, तां मैनू मंजूर है। हुण सुबकुत गीन जिहड़े आ अपने रब दा शुकर करदे आ कि वाह ओ शुकर है मेरे मालका कि अज मैनूं ऐस पाप करम तों तुसीं रोक दित्ता, मैं तेरा लख लख शुकर करदा। हुण शुकर करके उत्थों चला गया जदों सुबकुत गीन। उन्हां ने अपनी जीवनी दे विच इह बात लिखी है, बाबा जी जरा गौर करना कि किद्दां उन्हां नूं उन्हां फकीरां दे दीदार होए, जरा गौर करना। हुण जदों सुबकुत गीन गए ना वापस तो उन्होंने कहा भी रात पै गई है, डर सी मन दे अंदर भी हुण जे राजे दे अगे पेश होया तो उन्होंने कहना सवेर दा कित्थे रहा तूं, हिरन भी नहीं लैके आया मेरे लिए, तो कहिंदे भी इदां करदा भी सवेरे जाऊँगा तो रात अज उहदे वल मैं नहीं जाता, रात राजे कोल नहीं जाता भी सवेर तक नाले गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हुण उन्होंने अपनी लिखी है जीवनी दे विच, अपनी गाथा दे विच लिखी कि जदों मैं रात नूं सुत्ता ते हजूर मुहम्मद सल्ले अलाह मेरे सपने दे विच आए, मेरे ख्वाब दे विच आए, जरा गौर करना। हुण वह फकीर आए, वह गुरु रहबर आए, हजूर मुहम्मद आए, क्योंकि हुण वह मानते सी सुबकुत गीन जिहड़े सी वह हजूर मुहम्मद नूं मानते सी, उन्हां दे ख्वाब विच रात नूं आए। हुण जरा गौर करना उन्होंने ये दस्या है कि मैनूं बादशाही किद्दां मिली, और यह फकीर कहिंदे कि बादशाही बादशाहां दी खिदमत करन नाल नहीं मिलती। हुण जरा गौर करना, दस्या उन्होंने कि बादशाही मिली किद्दां, वह कहिंदे जदों हजूर मुहम्मद रात सपने दे विच आए और आके मैनूं कहिंदे होर वे सुबकुत गीन की हाल है तेरा ठीक है, तो कहिंदे उस वेले सुबकुत गीन कहिंदे भी मैं खुदा दे पैगंबर मैनूं मिलना आए, पहली बार जिंदगी च मैनूं मिलना आए, मेरे ख्वाब च मिलना आए, या जिद्दां भी मिलना आए, यकीन ही नहीं होया पहला तां। तो जदों कहिंदे वह गलबात होई सारी तां मैनूं हजूर मुहम्मद कहन लगे कि सुबकुत गीन तू बादशाह बनन की इच्छा रखदा, जरा गौर करना बाबा जी। हजूर मुहम्मद वो गुरु रहबर इन्हों पुछ रहे है, मुरशद पुछ रहे है कि वह हाशमी घराने के वारस पुछ रहे है कि सुबकुत गीन की बादशाह बनन की इच्छा रखता है, तो सुबकुत गीन कह रहे हजूर मैं तो एक बादशाह का गुलाम हाँ जी, नौकर हाँ, कि मैं तो महाराज नौकर हाँ, मैनू बादशाही किदा मिल सकती है। तो उस वक्त हजूर मुहम्मद साहब बोले कहिंदे कि तू ये छड़ कि तेनू किदा मिल सकती है, तू मैनू ये दस कि जिदा अज तेरे अंदर दया आई उस हिरनी लई ते हिरनी दे बच्चियां लई, की जे तेनू बादशाह बना दिता जावे तो तेरे अंदर यही दया इंसाना लई रहेगी। जरा गौर करो बाबा जी, हजूर कहिंदे ये छड़ तू भी तू नौकर है बादशाह दा, बादशाही किदा मिलेगी, तू ये दस भी जिदा अज तुसी जानवरां ते दया दिखाई है जे बादशाही मिल गई तो की इंसाना ते दया दिखाएगा, उदा दी इंसाना ते भी इदा उन्हां नाल भी प्यार करेगा, वो उन्हां दे भी दुख दर्द दूर करेगा, की मदद करेगा उन्हां इंसाना दी भी दया होएगी अंदर, प्यार करेगा इंसाना नूं भी। तो उस वक्त फिर सुबकुत गीर ने हाथ जोड़ के कहा कहिंदा हजूर कि वह तो मैं करांगा जी, तुहाडी कृपा रही मैं करांगा, पर मैं अजे भी समझ नहीं पा रहा कि मैं तो एक नौकर हाँ गुलाम हाँ, मैं बादशाह किदा बन सकता हाँ। कहिंदे उस वक्त हजूर मुहम्मद साहब ने फरमाया कहिंदे कि बादशाही किद्दां मिल सकती है, इहदा जवाब यह है कि अज जिद्दां तुसी दया दिखाई उस हिरनी ते, उस हिरनी दी दुआ उस सच्चे खुदा पाक नूं, उस रब नूं, उस ईश्वर नूं इन्नी पसंद आई है, वह दया जिहड़ी कीती सी वह हिरनी दी दुआ कीती हिरनी ने उपर तां उह रब तक पहुँच गई, और रब वह दो जहाना दे मालक ने
तेनू बादशाही देन दा फैसला कीता है, तेनू बादशाह दे रूप विच चुनिया है। जरा गौर करना बाबा जी, वो कहंदे हुण तू बादशाह बनेगा एक जानवर की दुआ करके। जरा गौर करना बाबा जी, एक जानवर की दुआ करके हुण तू बादशाह बनेगा कहंदे। हुण इत्थे गौर कर लेना, ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। ये महबूद गजनवी बादशाह होया, राजा होया, उहदे पिता सुबकुतगीन ने अपनी जीवनी दे विच लिखिया कि मैनू किद्दां बादशाही मिली। ये लिखी भी हुई है बाबा जी उन्हां दी, ये किते भी तुसीं पढ़ सकदे हो। हुण इत्थे गल की चल रही है कि बादशाहियां बादशाह दी गुलामी करके बादशाह दे नौकर बन के नहीं मिलदियां बाबा जी। बादशाहियां मिलदियां जदों, साईं लोग फरमाउंदे, जदों इंसान कोई, ये असल वाकया दस रहा है कि जदों इंसान कोई ऐसी नेकी कमाउंदा है, नेक कर्म करदा है जिहदे नाल ओह खुदा खुश हो जावे, वह दोनों जहाना का बादशाह खुश हो जाए, जिन्हें दुनिया बनाई है कुल कायनात का बादशाह खुश हो जाए, ताकि वह इंसान नू आ देशां देशां दे राजा नहीं बना सकता, किसी भी देश का राजा बना सकता। यह उहदी मौज की गल है, वह तो पलों के बाबा जी बादशाहियां दे दिंदा है। जे कोई ऐसा नेक करम, कोई दुआ ऐसी वो तक पहुँच जाए, कोई ऐसा नेक करम ऐसा बूटा ला दे जिंद महक उन्होंने पसंद आ जाए इंसान को ऐसे नेक करम की, तो उस रब नू उस खुदा लई कोई वड्डी गल नहीं है किसी नू बादशाही देनी। बाबा जी जरा गौर करना, जिहड़ा कुल कुल कायनात दा बादशाह है, जिन्हें पूरी दुनिया बनाई है, वह किसी नू भी किसी चीज़ का बादशाह बना देवे। इसे लिए कहते ना कि साईं से सब होत है, बंदे से किछ नाही, राई से परबत करे, परबत राई माही। हुण जरा गौर करना बाबा जी, उस सुबकुतगीन ने कहिंदे उस हिरनी ते दया कीती तो उन बादशाह बना दिता, रब खुश होया उहदे ते। ते ये दया भावना जे इंसान दे अंदर आ जावे बाबा जी, दया भावना दा फुल खिल जावे, ये कहंदे भी सच्चाई दा फुल खिल जावे, वफादारी दा फुल खिल जावे, ता कि रब उस इंसान नूं गले नहीं लाएगा बाबा जी। पर इत्थे गल होर याद रखना कि बिना मुरशदां कर्मां दे सोदे नहीं मिलदे। गुरु मुरशद जिंदगी दे विच होणा, ये भी बाबा जी मुकद्दरां दी खेड है। ऐसा मुरशद, कामल मुरशद कोई मिल जाणा, और बादशाह बनाना वो रब दे हाथ है, जिन्हों चाहे राज करा दे, जिन्हों चाहे भिखारी बना दे, उहदी मौज दी खेड है बाबा जी। सो ये सुबकुतगीन फरमाउंदे है, वो आप कहिंदे सी कि मैनू ये बादशाही जिहड़ी मिली है ना, ये एक हिरनी की दुआ नाल मिली है। जरा गौर करना बाबा जी, हुण जरा इत्थे गौर कर लेना बाबा जी, जे एक हिरनी की दुआ नाल वो बादशाहियां लैके जा सकता इंसान, तो फिर फकीरां की दुआ जिहदे हक च खड़ जाए, गुरुआं मुरशदा रहबरां की दुआ जिहदे हक च खड़ जाए, वह की नहीं हासिल कर सकता। सो जिहड़ा मुरशदा दीआं बातां नूं सुणदा है ना बड़े प्यार नाल, बड़े गौर नाल, किसी की भी गल बाबा जी, गुरुआं पीरां रहबरां फकीरां की किसी की भी गल, वह मुरशदा की बात है। इसे लिए फरीद साबरी साहब दुनिया सुनती है, सुनती उन्ना की सुनती जिन्नी कि मुड़ के छड़ दिंदी। इसे लिए फकीरां ने फरमाया है कि आशक लोकी थकते ना ही सुन सुन मुरशदा दीआं बातां। जरा गौर करना, क्योंकि यार फरीदा बाद मुरशदा दे, ना रब नाल होण मुलाकातां। सो ये गल याद रखना, गौर करना बाबा जी इस गल ते। सो बादशाहियां मिलदियां हैं। सो सारे नूं सलाम है, खुश रहो, आबाद रहो, चढ़दी कला च रहो, अपनियां दुआवां च याद रखना। जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह वाली जी, गुरुआं पीरां रहबरां फकीरां संत महात्मा साईं लोकां सारे नूं सलाम है, खुश रहो, आबाद रहो बाबा जी।